नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल याशिक मोबाइल ट्यूटोरियल। आज आपके लिए वीडियो लाया है रेडमी 9A वाइब्रेटिंग ओनली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नया है या मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलता रहे। ये वीडियो मैं डिवाइस रिपेयर करने के बाद बना रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने रिपेयर कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे ज़्यादा देखने को मिला, इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मेरे पास ये डिवाइस जब आया था ये सिर्फ वाइब्रेशन ओनली था, इसमें ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा था, ओनली वाइब्रेट कर रहा था। जैसे कि ऑन ऑफ प्रेस करो वाइब्रेट हो रहा था, बस कुछ सेकंड के बाद फिर प्रेस करो वाइब्रेट हो रहा था, ये प्रॉब्लम था। इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मेरे पास जो है ये रेडमी 9 ये है, रेडमी 9 ये 9C, पोको C3, ये सारा सबका बोर्ड एक जैसे है, सेम मदरबोर्ड है। तो इनमें किसी में भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा आप खुद ठीक कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यह देख सकते हैं बोर्ड मैंने ऑलरेडी रिपेयर कर चुका है। अब मैं आपको समझाता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम सोल्व हुआ कैसे, ये सब समझाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोईल मैंने रिमूव करके शॉर्ट किया है, वो कोईल का साथ ये कैपेसिटर भी दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने लेन मार के मेंशन किया है। ये कैपेसिटर इसमें शॉर्ट था, ये VSYS का लेन है। VSYS का लेन पे 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज पास होता है। वो जो हमारा बैकलाइट AC है और इसका जो USB AC है उसका वर्किंग वोल्टेज है। जब ये वर्किंग वोल्टेज जाएगा तभी AC वर्किंग पोजिशन पर आएगा। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट था, कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से ये कोईल भी ख़राब हो गया था। ठीक है, कैपेसिटर रिमूव करने के बाद शॉर्टेज खत्म हुआ, उसके बाद मैंने उसका कोईल जो है वो शॉर्ट किया, जो मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले AC है यह रहा। दोस्तों अगर आपके पास भी आएगा, सबसे पहले जो मैंने बताया VSYS का जो लेन है वही चेक करना है, क्योंकि आजकल जो रेडमी 9 ये 9C, पोको C3 ये मॉडल वाइब्रेशन ओनली पे बहुत ज़्यादा स्टार है। इसलिए मैंने सोचा इसका ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो इसमें जो प्रॉब्लम था इसका जो VSYS का जो लेन है वो शॉर्टिंग था। वो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर रिमूव करने के बाद शॉर्टेज तो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो कोईल भी थोड़ा जला हुआ था, वो कोईल भी शॉर्ट करने के बाद ही हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉपर ठीक हुआ है। ठीक है, इसका आगे मैं इसका स्कीमेटिक्स भी मेंशन कर दूंगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह रहा इसका स्कीमेटिक्स। ये जो रेड कलर में दिख रहा है यह है VSYS का लेन। ये VSYS का लेन शॉर्ट था। ये जो VSYS है ये 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज इसमें पास होता है, आपने यहाँ पे देख लिया। ये बैकलाइट AC में भी जा रहा है और चार्जिंग AC में भी जा रहा है। दोस्तों अगर आपके पास भी आएगा, सबसे पहले आपको ये जो VSYS का लेन ही चेक करना है। अगर वाइब्रेट ओनली पे अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है, 99% आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।